हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिवा द बाइकर। आज की वीडियो रॉयल एनफील्ड की अपकमिंग बाइक रॉयल एनफील्ड मेटी और 350 के बारे में है। रिसेंटली इस बाइक के रिगार्डिंग कुछ लीक आया है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बाकी मैं आगे वीडियो में इसको क्लियर करूंगा। तो अगर आप इस बाइक का वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, तो वीडियो को आप इन तक देखना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि बाइक्स की सारी जेन्यून अपडेट सबसे पहले आपके पास हो। और कोई भी क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, लिंक आपको स्क्रीन पे फ्लो करते हुए दिख जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। मार्च 2020 में फर्स्ट टाइम इस बाइक को टेस्टिंग के टाइम पे स्पॉट किया गया था। तभी से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि कंपनी मेटियोर 350 को लॉन्च कर थंडरबर्ड को रिप्लेस कर रही है। ये बाइक लॉन्चिंग के लिए पूरी तरह से रेडी था। ऐसा ऑफिशियल लीक भी आ चुका था कि कंपनी इस बाइक को जुलाई में चेन्नई के एक शोरूम से इस बाइक को लॉन्च कर देगी, बट कोरोना पेंडेमिक की वजह से इसका लॉन्च डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। बट रिसेंटली आई रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी इसके लॉन्चिंग को रिशेड्यूल कर रही है और ये बाइक आपको सितंबर 2020 में लॉन्च होने वाली है। ये था पहला लीक जो इस बाइक के बारे में आया है रिसेंटली। बात करें दूसरे लीक की, तो ये बाइक आपको 3 वेरिएंट में लॉन्च होगी, फायरबॉल, स्टेलर और सुपरनोवा। टोटल आपको 7 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलेगा, फायरबॉल येलो, फायरबॉल रेड, स्टेलर रेड मेटालिक, स्टेलर ब्लैक मेटालिक, स्टेलर ब्लू मेटालिक, सुपरनोवा ब्राउन ड्यूअल टोन और सुपरनोवा ब्लू ड्यूअल टोन। मेटियोर की फायरबॉल वेरिएंट लीक हुई थी थोड़े दिन पहले एक ऑनलाइन कॉन्फिगरेटर पेज से। रिसेंटली एक और लीक आया इस बाइक के इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, ये बाइक बिल्कुल नई बॉडी वर्क के साथ लॉन्च होने वाली है। यह बाइक रॉयल एनफील्ड की पहली नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट होने वाली है, तो रॉयल एनफील्ड इस बाइक में कुछ नई फीचर्स भी दे रहा है। रिसेंटली इस बाइक का इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की लीक आई है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसमें आपको डिजिटल नेविगेशन भी दिया जा रहा है जो कि अभी तक कंफर्म नहीं था, बस अनुमान लगाया जा रहा था कि इसमें आपको डिजिटल नेविगेशन भी देखने को मिल सकता है, बट ये चीज़ अब कंफर्म्ड हो गई है। इस बाइक में आपको डिजिटल नेविगेशन सिस्टम भी देखने को मिलता है, बाकी इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर आपको सेम ही डिजिटल मिलेगा। इसमें आपको स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, डिजिटल क्लॉक, ABS लाइट, फ्यूल गॉज और भी बहुत सारी चीज़ें शो होगी। शायद अपने इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर को फुली रजिस्टर नहीं करेगी रॉयल एनफील्ड। इसमें आपको मोबाइल कनेक्टिविटी, मैप्स और भी बहुत सारी डिजिटल फीचर्स देखने को मिल सकता है। तो यही दो लीक इस बाइक का आ रहा था जो कि आपको इस वीडियो में मैं बताया हूं। तो अब बात करें इसके प्राइस और लॉन्च डेट की। फाइनली तो इसका प्राइस 1.70 लाख से 80 लाख के अराउंड एक शोरूम देखने को मिलेगा और इसके लॉन्च डेट बढ़ के सितंबर 2020 तक का हो चुका है। ये बाइक आपको 1 से 2 महीने के भीतर आपको आपके नजदीकी शोरूम्स में देखने को जरूर मिल जाएगा। यही एक लीक आया था रिसेंटली इस बाइक के रिगार्डिंग। तो आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप इस बाइक के लिए वेट करेंगे या किसी और बाइक के साथ जाना पसंद करेंगे। तो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपका दिन शुभ हो।